आइए सबसे पहले मैं एक उस फनकार को आवाज दे रहा हूं जिसने कलाम की बुनियाद पर और आवाज की बुनियाद पर अपना लोहा मनवाया है, जो मुशायरों की कामयाबी की जमानत माना जाता है, वो फनकार लाइन पर मौजूद है। इन चार मिसरों के साथ एजाज़े खुदी बख्श के जीशा न बनाता तालिब साहब, एजाज़े खुदी बख्श के जीशा न बनाता खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एजाज़े खुदी बख्श के जीशा न बनाता खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, जिस खाक ने बोसे लिए नालैन नबी के वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता, वो खाक बनाता मुझे इंसान न बनाता। और यही से चार मिसरे उस फनकार के लिए, और मैं अपने चार मिसरे अपने चार मिसरों से उस फनकार को आवाज दूंगा। इकबाल साहब कि सलीका मुझे अर्ज़ग़म का मिला है, सलीका मुझे अर्ज़ग़म का मिला है, ये उनकी इनायत नहीं है क्या है, सलीका मुझे अर्ज़ग़म का मिला है, ये उनकी इनायत नहीं है तो क्या है, और खुदा तक रसाई का जो रास्ता है, खुदा तक रसाई का जो रास्ता है वो आका के कदमों से होकर गया है, वो आका के कदमों से होकर गया है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े ही अदब और इत्राम के साथ उस फनकार को आवाज दे रहा हूं जिसको हिंदुस्तान के हर मुशायरे में खुशबू राम के नाम से जाना जाता है। बड़े ही अदब और इत्राम के साथ मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरमा खुशबू राम की, वो तशरीफ लाए और आज के इस मुशायरे का आगाज लाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। माइक पर मोहतरमा खुशबू राम। मौजूद हाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बारहा आपके दरमियान मेरी हाजिरी रही है, शाहिद भाई का हो अकील जाफरी साहब की मोहब्बत और आप लोगों की समाअतें मुझे यहाँ बारहा खींच लाती हैं। बारहा हुक्म हुआ है नाते पाक के लिए, मैं नाते पाक से कबल चार मिसरे पढ़ती हूँ आस्ताने का ये मुशायरा, समाप्त कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। शाहिद भाई कहाँ चले गए, पेश करती हूँ चार मिसरे सुनिएगा। लेकिन एक एक शख्स की शिरकत चाहती हूँ। आपको मालूम है कि नाते पाक का पढ़ना, नाते पाक का कहना और नाते पाक सुनना सब सब हजरत हसैन हसन की सुन्नत है और सवाबे दारैन के मुस्तहिक है वो शख्स जो नाते पाक सुनकर आका पर दुरूद पढ़े। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं नाते पाक पढ़ूं, जब तक मैं माइक पर रहूं, आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद कीजिए और बीड़ी सिगरेट से गुरेज करें। पेश करती हूँ चार मिसरे समाप्त कर। साना लिखूं नबी की मैं कहां जोरे कलम ऐसा, क्या बात है बाबा। सना लिखूं नबी की मैं कहां जोरे कलम ऐसा, मेरी औकात क्या है और कहां तर्ज़े बयानी है, मेरी औकात क्या है और कहां तर्ज़े बयानी है। यहां भी सल्तनत उनकी, वहां भी
हुक्मरानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे सरकार की दोनों जहां में हुक्मरानी है कितनी प्यारी नाद हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार के दीवाने तशरीफ फरमा है, अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हुए हैं। तो मेरी आपसे मोहतमाना गुजारिश है कहीं फनकार की आवाज पर नहीं तो आका के नाम पर एक बार जोर से सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। एक मतला और दो तीन शेर और पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, सुनिएगा। किसने ली है अंगड़ाई आमना के आंगन में, क्या बात है बाबा। किसने ली है अंगड़ाई आमना के आंगन में, आमना के आंगन में किसने ली है अंगड़ाई आमना के आंगन में, अर्श से बहार आई आमना के आंगन में, अर्श से बहार आई आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने ली है और ये शेर बतौर खास पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। दाई हलीमा ने आपको दूध पिलाया, आपकी परवरिश की, पेश करती हूँ सवाले से शेर, समाप्त कीजिएगा। आसमां को छूता है मर्तबा हलीमा का, इधर देखिए मेरी तरफ से सुनिए। ये थे जनाब सही साहब जो आत्मा को छूता है मर्तबा हलीमा का, बनके आई थी दाई आमना के आंगन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर शेर अदा होगा। बहुत शुक्रिया। आत्मा को छूता है, आत्मा को छूता है मर्तबा हलीमा का, बनके आई थी आमना के आंगन में, किसने ली है अंगड़ाई आमना के आंगन में। अकील जाफरी साहब नाते पक का ये शेर भी बतौर खास पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा, सुनिएगा। दूर हो की दुनिया से शिर्क कुफ्र की जुल्मत, दूर हो की दुनिया से शिर्क कुफ्र की जुल्मत, रोशनी उतर आई आमना के आंगन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोशनी उतर आई आमना के आंगन में, आमना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आंगन में रोशनी उतर आई आमना के आंगन में। और ये शेर भी पेश करती हूँ नाते पाक का, सुनिएगा। दीनो हक की खुशबू से
तो जहां महक उठे दीन हक की खुशबू से, दो जहां महक उठे किसी की जुल्फ लहराई आमना के आंगन में, किसी की जुल्फ लहराई दो शेर मुझे हुक्म हुआ है एक नाते पाक के लिए, मैं एक मतला दो शेर उस नाते पाक के भी पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मूसा ने जिसको तूर पे देखा था दूर से, देखा था दूर से मूसा ने जिसको तूर पे देखा था दूर से, देखा था दूर से मूसा ने जिसको दूर पे देखा था दूर से, देखा था दूर से रोशन हुई है शम्मे हरम उसके नूर से, उसके नूर से शम्मे हरम उसके नूर से, उसके नूर से। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा। रुतबे को मुस्तफा के मलायक से पूछिए, मलायक से पूछिए, किसी भी अंबिया ने पैदा होते ही सजदा नहीं किया, ये मेरे आका को शरफ हासिल हुआ था कि उन्होंने पैदा होने के बाद पहले सजदा किया था अल्लाह ताला के हुजूर में। पेश करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। रुतबे को मुस्तफा के मलायक से पूछिए, मलायक से पूछिए, सजदे का हुक्म पहले मिला है ज़ुहूर से, मिला है ज़ुहूर से, सजदे का हुक्म पहले मिला है ज़ुहूर से, मिला है ज़ुहूर से। नाते पाक का ये शेर भी बतौर खास मैं समझती हूँ कि शायद ही इस शेर पर कोई शख्स खामोश रहे, शायद भाई सुनिएगा। बतौर खास शेर पेश करती हूँ। सजदे का हुक्म पहले मिला है ज़ुहूर से, मिला है ज़ुहूर से, मेरी नजर खता न करेगी यकीन है, करेगी यकीन है, मेरी नजर खता ना करेगी यकीन है, मेरी नजर खता ना करेगी यकीन है, पहचान लूंगी हशर में आका को दूर से, पहचान लूंगी हशर में आका को दूर से, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ। मेरी नजर खजाना करेगी यकीन है, करेगी यकीन है, पहचान लूंगी हशर में आका को दूर से, आका को दूर से। नाते पाक का ये शेर भी, खिलवत हो ऐसी जिसमें फरिश्ते न सुन सके, फरिश्ते न सुन सके,
खिलवत के मायने हैं अकेलापन तनहाई, पेश करते हैं, सुनिएगा। खिलवत हो ऐसी जिसमें फरिश्ते न सुन सके, खिलवत हो ऐसी जिसमें फरिश्ते न सुन सके। एक दिल की बात अर्ज करूंगी हुजूर से, करूंगी हुजूर से। नाते पाक का मक्ता भी पेश करती हूँ, समाज कीजिएगा। खुशबू को जामे बादए कौसर हो अता, कौसर हो अता। खुशबू को जामे बादए कौसर हो अता, कौसर हो अता। जन्नत में झूमती रहे जिसके सुरूर से, जिसके बहुत।